और अलीगढ़ के जट्टारी में टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म की स्टोरी रियल लाइफ में देखने को मिली है। यहां पर एक नवविवाहिता ने महज शौचालय न होने पर अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। नवविवाहिता के साफ कर दिया है कि वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक घर में शौचालय नहीं बनवा देते। घर में टॉयलेट न होना पति के लिए कितना महंगा पड़ सकता है यह आपने फिल्मों में ही देखा होगा। अलीगढ़ के जट्टारी के रहने वाले कमल का घर टूटने की कगार पर पहुंच गया। अप्रैल को शादी हुई थी, मेरी वाइफ आएगी। मेरी वाइफ ने देखा था यहाँ पर शौचालय नहीं था मेरी शादी से पहले। मेरी वाइफ ये कह के चलेगी शौचालय बनवा लो, उसके बाद आना। गांव के लोग इस घटना से हैरान हैं। घर में शौचालय न होने की वजह से खुशी ने अपने पति कमल से साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक वो शौचालय नहीं बनवा लेता तब तक वो ससुराल वापस नहीं आएगी। हर मकान सही ढंग से बनवा ले, जब लिवा ले जाइयो वाते पहले लिवावे मत आइयो, नहीं तो हम अपनी बेटी के दूसरी जगह शादी कर दें। इनकी लड़के की शादी हुई है और लड़के की शादी तो हो गई और लड़के की हरका घर वाली यूँ कहती है तो अपना घर को लेटरिन बाथरूम बनवा लो, अपने घर वो करवा लो, जब आऊंगी मैं नहीं आ रही। अब सामाजिक संस्था की मदद से कमल अपने घर में टॉयलेट बनवा रहा है ताकि खुशी घर लौट सके। टीम न्यूज स्टेट। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। से तस्करी के सोने की खेप पकड़ी है और डीआरआई ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार तस्कर बांग्लादेश से तस्करी करके मालदा के रास्ते सोना बनारस लेकर पहुंचा था और बताया जा रहा है कि पकड़ी गई सोने की कीमत करीब 35 लाख रुपए है। और यूपी चुनाव में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभाएं करेंगे। इस दौरान सीएम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से मतदान की अपील करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सबसे पहले सुबह 9:25 पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय हमीरपुर पहुंचेंगे। 12:10 से 12:40 तक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर 1:10 पर गायत्री तपोभूमि भरुआ सुमेरपुर में कार्यक्रम है और 1:20 से 1:50 तक हमीरपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 2:25 पर पुलिस लाइन महोबा पहुंचेंगे और 2:30 बजे से 3 बजे तक महोबा चरखारी में जनसभा करेंगे। वहीं 3:50 पर पुलिस लाइन ललितपुर पहुंचेंगे और 4 बजे से 4:30 तक ललितपुर महारौनी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद 5:10 पर पुलिस लाइन झांसी पहुंचेंगे, जहां से 5:20 से 6:20 तक झांसी में जनसंपर्क और रोड शो कार्यक्रम है। वहीं प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी दल के सियासी महारथी चुनावी कैंपेन में लगे हैं। आज लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली है। स्मृति उपवन में होने वाली इस रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती के साथ बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सहित कई बीएसपी दिग्गज मौजूद रहेंगे। मायावती लखनऊ की सभी 9 सीटें मोहनलालगंज, मलिहाबाद, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य, लखनऊ उत्तरी तथा लखनऊ पश्चिमी से पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लखनऊ रैली के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का इटावा और कानपुर में भी चुनावी कार्यक्रम है। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अखिलेश 4 जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव औरैया में जनसभा करेंगे, फिर कानपुर देहात में रैली करेंगे और उसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज में तिरबा में रैली करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। फिर शाम 4 बजे फर्रुखाबाद में नीम करौरी बाबा के पास खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।
रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पंजाब के